करते हैं, हम जाके फिर सर्वे करते हैं कि कौन कौन से वाकई लोग मुस्तहिक है, उनके घर के हालात कैसे हैं। दिन को हम करते हैं सर्वे और रात को अंधेरे में जाके दे देते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जी तो कल भी आया था ना कुरान का तर्जमा, कल पढ़ा रहे थे मौलाना साहब, तो उसमें तर्जमा मफहूम ये था कि आप अल्लाह के लिए लोगों की मदद करो, छुपकर और एलानिया, मतलब दोनों तरीके उसमें आए ना, कि आप छुपके करो, छुपके करना चाहते हो छुपके करो, और जहां पे आप समझते हो एलानिया कि एलानिया का फायदा होगा, मसलन आप एलानिया मदद करते हैं तो इससे लोग मोटिवेट होंगे और लोग इससे मोटिवेट होंगे, तो मतलब आप जो है ना मतलब वो इस तरह से करें, फिर आप छुपके ना करें, फिर आप एलानिया करें। हाँ तो उबैद भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है मुझे ना सोशल डिपार्टमेंट में, हमारी जो डोनेशन है ना मंथली, वो उबैद भी 47 पे पहुंच गई है। आवाज कट रही है, समझ नहीं आ मैंने रही। कहा हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सोशल वर्क शुरू किया ना दरख्तों वाला, नर्सरी वाला ना, तो हमारा हमारा जी टारगेट है वैद भी, हमने ना नर्सरियों की डुप्लीकेशन करनी है ना, मतलब हमने ना माशाल्लाह नर्सरियां बनानी है, मतलब एक नर्सरी हम मॉडल हमारी बन जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर हमने आगे नर्सरियों का सिलसिला शुरू करना है। तो अब उसमें हमारी जो रेगुलर जो कंट्रीब्यूशन होगी है ना, जो दोस्तों ने प्रॉमिस कर लिया ना कि मंथली दिया करेंगे, कोई 100 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, तो वो माशाल्लाह हो गया 47,000। माशाल्लाह हाँ तो अब मैं ये नहीं माशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहा था भाई, इतनी जल्दी ये रिजल्ट आ जाएगा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, और सारे लोग हमने इधर से ही इकट्ठे किए ना, जो पौधे लगा रहे थे उनको इकट्ठा किया, उन लोगों से दोस्तों से बात की, दोस्तों से बात की, और हम ना जूम के ऊपर, अब ये जूम की स्किल हमने सीखी, मैंने सीखी, तो हम जूम के ऊपर सोशल मीटिंग अपनी कर चुके हैं, अभी हफ्ते को फिर हम एक मीटिंग कर रहे हैं ना जूम के ऊपर। हाँ अच्छा, माशाल्लाह हाँ तो मतलब हम ना, मतलब मैं, मुझे जो समझ आई है कि हम सारी स्किल्स को ना सोसाइटी को डोनेट करें, ठीक है, फिर मैं मोहल्ले में, मैं वेलनेस की क्लास में कर रहा हूँ मोहल्ले में, और मैं अपने आप कट रही, को, आवाज हाँ नहीं आ रही। मैं अपने आप को ना, वैसे मैं अपने आप को बार बार समझाता हूँ कि मोहल्ले की जो क्लास मैं कर रहा हूँ उसमें फूड सप्लीमेंट बीच में नहीं आने चाहिए, मैं अपने आप को बार बार समझाता हूँ कि आवाज आ रही है, ये जी आ रही है सर। अच्छा तो मतलब मैं अपने आप को बार बार समझाता हूँ कि अब उसमें मेरी जो बेचने वाली जो है ना रग, उसको मैंने काबू रखना है, अब वो भी हमारी जूम के ऊपर मीटिंग हो रही है, हर जुमे को 1 घंटा मीटिंग होती है, तो वो हमने माशाल्लाह स्टडी, अब उसी में से क्या हुआ कि लोगों ने सप्लीमेंट तो इतने नहीं लिए, बल्कि शायद 1% भी नहीं लिए, उसी में से एक दोस्त ने क्या किया, टीसीएम के ऊपर नोट्स बना दिए और वो कापी सबको तकसीम कर दिया, अब वो हम टीसीएम को पढ़ रहे हैं, एक या दो पेज पढ़ लेते हैं, अब उसमें सबका इंटरेस्ट बन गया, 6-7 लोग रेगुलर हो गए, अब वो मेरे यूजर नहीं है, तो लेकिन मैं उन्हें सर्व कर रहा हूँ और मैं उन्हें सर्व कर रहा हूँ, मुझे भी मिल रहा है इससे, तो मतलब खास तौर पे आप है ना उबैद भी जिस लेवल पे, डॉक्टर साहब जिस लेवल पे हैं, तो हम ना ये सोशल जो मुख्तलिफ, अब ये हम इलम दें अपने मोहल्ले वालों को, मतलब हम नॉलेज दें, हेल्थ का नॉलेज दें, तो मतलब हम अपने ना सोशल अकाउंट को उबैद भी जल्दी सी बैलेंस कर दें, तो उसके बाद फिर हमारी राहें खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी, हम मतलब सर्व करना शुरू करें सोसाइटी को, अल्लाह की जात खुद ही रास्ते खोलेगा, ली का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, ली को कोई दुनिया की ताकत उसकी ग्रोथ को नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने सक्सेस का रास्ता जान लिया है, उसकी साइंस जान ली है, वो नॉन मुस्लिम होके स्पिरिचुअलिज्म में हमसे कई 100 गुना ज्यादा मजबूत है, वो सोशल वर्क में हमसे कई 100 गुना ज्यादा मजबूत है, तो उसकी वही औकात है सक्सेस की जो उसे अल्लाह ने दे दिया, और आपकी और हमारी यही औकात है जिसपे हम इस वक्त रह रहे हैं, और अल्लाह ने हमें इसी लेवल पे रखा हुआ है, और हमने अपने आप को ना चेंज किया तो हम इसी लेवल पे रहेंगे, हम अपग्रेड नहीं होने वाले, तो बहरहाल जी, जी हमें अल्लाह ताला हदायत दे, हम बस सीधे रास्ते पे आ जाए बस ना, आमीन आमीन डॉक्टर साहब आमीन। अगला पैरा मुकम्मल कर ले, जी सर, कर ले। एज आई लिसन टू दीज इंडिविजुअल्स टेल देयर स्टोरीज ऑफ स्टार्टिंग विद नथिंग,
एंड इवेंचुअली बिकमिंग वेल्दी बियॉन्ड देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम। ठीक है, एंड तक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने सुना उन लोगों से ये कहते हुए, अपनी स्टोरी बताते हुए, मैंने उन इनफरादी लोगों को अपनी स्टोरी बताते हुए सुना कि उन्होंने मतलब बगैर किसी सरमाए के, क्या लिखे यहाँ पे, बगैर वसाइल के काम शुरू किया। बगैर वसाइल के कर ले हैं जी। जैसा कि मैंने उन अफराद से अपनी कहानी बताते हुए सुना, जैसे कि उन अफराद से अपनी कहानी अपनी कहानी बताते हुए सुना कि उन्होंने बगैर वसाइल के सुना, उन्होंने बगैर वसाइल के काम शुरू किया और eventually becoming wealthy beyond their wildest dream। और आखिरकार eventually का ये होगा ना, आखिरकार वो अमीर बन गए, आखिरकार या मुमकिना तौर पर, मुमकिना तौर पर वो अपनी wildest का लिखा हुआ है जंगली वैश्याना। ये इसमें वो कर लेना वसी जो है ख्वाब में, वसी ख्वाब कर ले, ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब अपने वसी ख्वाब से भी आगे, अपने वसी ख्वाब से भी, अपने वसी ख्वाबों से भी आगे दौलतमंद बन गए हैं। डॉक्टर साहब ठीक है? हाँ जी, वो कहते हैं जी आखिरकार वो अपने ख्वाबों, वसी ख्वाबों से भी आगे अमीर हो गए और आखिरकार वो अपने अपने वसी ख्वाबों वसी ख्वाबों से भी ज्यादा अमीर हो गए। ज्यादा लगा लेते हैं, वसी ख्वाबों से भी ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है, आई रियलाइज दैट दिस बिजनेस वॉज डूइंग फॉर दीज पीपल एग्जैक्टली वट माई रिच डैड टोल्ड मी टू डू। मैंने महसूस किया कि ये कारोबार उन लोगों के लिए वही कुछ कर रहा है जो मेरे अमीर बाप ने मुझे करने के लिए कहा। ऐसे ही है ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, मैंने महसूस किया कि ये कारोबार भी उन लोगों के लिए ठीक तरह से कर रहा है जो मैंने अपने अमीर बाप से वो करते हुए मेरे अमीर बाप ने करने को कहा, मुझे करने को कहा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने महसूस किया कि ये कारोबार उन लोगों के लिए, मैंने महसूस किया कि ये कारोबार उन लोगों के लिए वही कुछ कर रहा है जो मेरे अमीर बाप ने उन लोगों के लिए वही कुछ कर रहा है, वही कुछ, ये कारोबार उन लोगों के लिए वही कुछ कर रहा है जो मेरे अमीर बाप ने मुझे करने को कहा, मुझे अपने लिए करने को कहा। अमीर बाप ने मुझे अपने लिए करने को कहा, मुझे अपने लिए करने को कहा, ठीक है ना। मतलब अमीर बाप ने उसे कहा था ना कि बिजनेस ओनर वाला काम करो तुम, ना तुम मुलाजम ना बनो, तो वो भी ये कह रहा है कि ये भी जो है ना वही काम कर रहे हैं। इट वॉज नॉट सिंपली टीचिंग देम द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस,
ठीक है, इट वॉज नॉट सिंपली टीचिंग देम द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, ठीक है। हाँ, अगर हम सादा सी बात करें तो वो लोगों को कारोबार के असूल नहीं सिखा रहे थे, वो सिर्फ, हाँ अगर हम, हाँ हाँ वो सिर्फ कारोबार के असूल नहीं सिखा रहे थे जी, वो ना सिर्फ कारोबार उनको लोगों को कारोबार करने के असूल नहीं सिखा रहे थे, ना सिर्फ, हाँ ठीक है, नहीं सिखा रहे, ठीक है, वो सिर्फ, वो ना सिर्फ, वो हाँ वो ना सिर्फ, ठीक है, वो ना सिर्फ लोगों को कारोबार के, ना सिर्फ लोगों को क्या करें, सादगी के साथ डॉक्टर साहब सिंपली को कैसे डाले, सिंपली जो है ना सिर्फ आ गया ना, ठीक है सही है, वो ना सिर्फ लोगों को कारोबार के, कारोबार करने के असूल सिखा रहे थे बल्कि सिखा रहे थे, इट वॉज शेपिंग देम इनटू लीडर, सिखा रहे थे वो लोगों को लीडर में मुंतकिल कर रहे थे, वो लोगों को लीडर बना रहे थे जी, वो लीडर की शक्ल दे रहे थे, वो लोगों को लीडर की शक्ल दे रहे थे, हाँ सही है, ये सही है, वो लोगों को, ये बहुत अच्छा हो गया, लोगों को लीडर्स लीडर्स की शक्ल दे रहे थे, वो लोगों को लीडर्स की शक्ल दे रहे थे, अच्छा वो लोगों को लीडर्स की शक्ल दे रहे थे, वाइल दे सीम टू बी टॉकिंग, अच्छा बस यहाँ तक कर लेते हैं डॉक्टर साहब, बस यहीं तक कर लेते हैं, वो लोगों को लीडर दे रहे थे, आज क्या डेट हो गया डॉक्टर साहब, 22 हो गई, ठीक है, ठीक हो गया, सही है, अच्छा डॉक्टर साहब 5 ना पॉजिटिव आइडियाज लिखे, सब दोस्त लिखे जी, 5 पॉजिटिव आइडियाज लिखे, पेंसिल कॉपी लिख के फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर ना, आवाज आ गई है इच्छाम भी, मुनव्वर भी, सवर भी, अरफान भी, अरफान भी नहीं है, नहीं सर, तभी कोई हिंट देंगे पॉजिटिव आइडियाज, मतलब क्या कह रहे हो, जो बता रहे पॉजिटिव आइडियाज, कोई हिंट दे था, क्या पॉजिटिव आइडियाज, क्या कह रहे, तभी आप बता रहे कि पॉजिटिव आइडियाज क्या मतलब, पॉजिटिव क्या मतलब, किस हवाले से, हाँ 5 मस्बत पॉजिटिव आइडियाज लिखें जो आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है, 5 पॉजिटिव आइडियाज लिखें जो आपको इस कारोबार को आगे बढ़ाने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपके स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में, सोशल डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में, फैमिली डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने में, सारे डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, सही सही, जी सर, आज के ये है मुस्बत सोचना, मुस्बत करना, मुस्बत बोलना, मुस्बत सुनना और मुस्बत अमल करना, और क्या बात है, स्मार्ट एंड सर, तुसी पेपर भी लगता है छेती मुका देते हो आप स्मार्ट राइटर है सर, वेरी गुड, क्या बात, मैंने
आगे बढ़ो। जी फरमी, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमी, क्या मसला हो गया है? ओए याद ही नहीं रहा, ये तो हम तो लगे हुए अभी भी। अच्छा अच्छा, आप ये समझ के नहीं आए दोबारा? अच्छा अच्छा, आप बगैर बताए गायब हो जाते हैं। ठीक है, आप अपना काम करें फिर है। ठीक है ठीक है, हम बस 8 बजे क्लोज करेंगे। हम 6 बजे शुरू हुए थे ना, 7:30 तक था, बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया। ठीक है ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब, आज 7:30 बजे तक क्लास थी ना? जी सर, ये गलत हो गया, 7:30 क्लोज करनी थी, मेरे ज़हन से, मेरे ज़हन में वही 8 ही था। जी और किसी ने लिख लिए? जी और किसी दोस्त ने मुकम्मल कर लिए? जी सर, ये अभी तजर्बा नहीं था, लेकिन चले कुछ शुरू किया ही है। आप बताएंगे तो आइडिया निकल आएगा, यानी कि लोगों की करना मेरा इरादा है, कि लोगों की हेल्प करना, फलाई काम करना। ठीक है, अच्छा मोहब्बत, अच्छे अखलाक पेश करना। ठीक है, और ठीक अच्छा है। सोच ठीक है, सही है। और कितने लिखे हैं सर भी आपने? ये सर 5 बने हैं। ठीक है, कौन? अच्छा सोचना, अच्छा इखलाक करना और लोगों के लिए फ्लाई काम करना, 3 हो गए जी। गरीब लोगों की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना जी। और क्या कह सकते हैं, मैंने जो देखा वो तो गरीबों की मदद है ना। ठीक है सर, ये गरीबों की मदद की जगह अगर हम जरूरतमंदों को कह लेते वो अच्छा नहीं है? हाँ, जरूरतमंदों की मदद ज्यादा अच्छा जुमला है ये। अच्छा हो जाएगा। इसमें दूसरी बात यह है कि बाद उकात अमीर भी जरूरतमंद होते हैं जी, उनको भी जरूरत की होती है ना किसी चीज की, मसलन ब्लड की जरूरत पड़ गई है तो उसमें वो अमीर गरीब का तो कोई तल्लक नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, उसको हेल्प की जरूरत पड़ गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है, तो अमीर जो है वो भी मुलव्वस हो सकते हैं। इसलिए हमने मदद करना जो है ना वो बेहतर रहेगा, जरूरतमंदों की मदद करना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, और बताएं जी, इच्छा भी आपने क्या लिखे? थोड़ा सा क्विक हो जाए, हम लेट हो गए ऑलरेडी ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्स जल्दी दे दे। अच्छा भाई, आवाज कम आ रही है। तभी जी नॉर्मल बोले। तभी मैंने लिखा है कि वक्त को मैनेज करना, हाँ, गरीब लोगों की मदद करना, ठीक है सही है, और फ्लाई काम में हिस्सा लेना, सही है, और चौथा लिखा है कि अपने जो मेरा है ना स्पेशल डिपार्टमेंट, उसको मजबूत करना। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। और तभी पता रहेगा, अभी 5 अभी सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिमाग चलेगा ना, आस्ते आस्ते चलेगा। मैंने 5 लिखे, मैंने लिखा है कि 30, 10 और 20 ना,
ये उसके मेडिटेशन के 20 मिनट, 10 मिनट वीएन के हैं और 30 मिनट वीएन की एक्सरसाइज के, ये ना ब्रेन के हैं इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजर में, ये बनता है एक घंटा कि ये ना मैं इसकी मैं तवज्जो इसकी तरफ दूं कि ये रोजाना मैं इस पे ना वक्त लगाऊं कि मैं ब्रेन की एक्सरसाइज ना ये मुकम्मल करूं और फिर अपने ना स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट को और मजबूत करूं। और फिर एक जो मैं फील कर रहा हूँ, खानदान वालों के साथ ना अच्छे रिलेशन नहीं है, खानदान वाले हमारे काम को बुरा समझते हैं ना, मुझे बुरा समझते हैं, ठीक है, खानदान वालों के साथ मैं अच्छे रिलेशन बनाऊं, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, टाइम की इन्वेस्टमेंट करूं, पैसे की इन्वेस्टमेंट करूं ना। और फिर यह है कि घर की जो डाइट है ना उसको मैं इम्प्रूव करूं, कि मैं तरीके सोचूं कि कैसे मैं अपने घर की डाइट को ना और इम्प्रूव कर सकता हूं कि हमारे घर में और ज्यादा ऑर्गेनिक चीजें आना शुरू हो जाए। और फिर मैं ना प्रेजेंटेशन वाला डिपार्टमेंट मेरा वीक है, मैं ना प्रेजेंटेशन जो है इसकी तादाद को बढ़ाऊं वन टू वन खासतौर पर ना, मतलब इसकी तरफ मैं ना तवज्जो करूँ। तो ये 5 आइडियाज मैंने ना लिखे हैं अपने लिए। जी और बताएंगे, और किस दोस्त ने क्या लिखा है? एचाम भी आप रेडी है? जी जी सर, अब आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है। सर मैंने लिखा है कि मस्बत रवैया कामयाब लोगों की निशानी है, ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी से हम अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को अपनी सलाहियत से फायदा पहुंचाना है, सही है, जबरदस्त। तो आपने आज जो बात की थी कि हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, और घर वालों के साथ जो उनसे मस्बत रवैया रखना है और बगैर लालच के हकीकी तालीम को स्प्रेड करना है, जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी मनोज भाई, अभी मैंने आखिरी जो लिखा है मुझे याद आ गया, जो मैंने थोड़ा अभी अभी स्टार्ट नहीं किया, कि एक स्टेप ऑफ इंटेंशन को मुकम्मल और उसकी प्रैक्टिस करना है और उसको मजबूत करना है, ठीक है, एक स्टेप ऑफ इंटेंशन को मुकम्मल करना है, ठीक है, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा जी, अब इस तरह से एक तो वो वीडियो स्टार्टिंग है ना, ठीक है, बहुत अच्छे, एक तो वो वीडियो देख लीजिएगा दोबारा जिन लोगों ने नहीं देखी ना, जावेद चौधरी की वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा ना ड्रीम बोर्ड आप ना बना के, नया ड्रीम बोर्ड ये बुक के ऊपर है ना, ये बना के आप ना ग्रुप में लगाएं, ठीक है, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, और ड्रीम बोर्ड वाली असाइनमेंट है ना। और दूसरा ना सेल्फ ऑर्गेनाइजर को ना डेली आप फिल करना शुरू करें, फिर आप ना ग्रुप में लगाना शुरू करें। तो इसके लिए हम एक दूसरे को मोटिवेट करें कि हम ना सेल्फ ऑर्गेनाइजर को फिल करने की ना हैबिट डेवलप कर दें, 40 डेज लगा के ना अपनी आदत जो है वो डेवलप कर लें। ये अभी हम इस आदत को नहीं डेवलप कर पा रहे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट है, लिखना नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। जी ठीक है, हाँ, और कोई चीज आप डिस्कस करना चाहें जी, कोई दोस्त? सर यही होना चाहिए कि जो भी काम किया जाए वो टाइम की शेड्यूल के मुताबिक ही हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हमारे काम शेड्यूल के मुताबिक होना शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो रास्ते हमवार हो जाएंगे। तो कहते हैं कि काम लोगों के पीछे जो है ना जो कामयाबी का राज है ना वो तो होता है, कहते हैं जी औरत का हाथ है या नाकाम के पीछे भी औरत का हाथ है, लेकिन मैं कहता हूँ कामयाब इंसान के पीछे ना असूलों का हाथ है, असूलों का हाथ है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अभी ये जो आप ये जो जो हकूमत के जो फाउंडर है डॉक्टर साकिब, इनकी आपने सुना है? हाँ जी सुने, बिल्कुल देख लेना, इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी एशिया का सबसे बड़ा इन्होंने इदारा बना लिया है बिला सूद। तभी वो मैं पढ़ा था कि हुआ ये कि आज से 17 ईयर पहले ना 17 साल पहले कह रहे कि मैं मतलब 98 का ऑफिसर था और एक खातून आई मेरे पास और कहती कि मैं आपसे 10,000 मतलब मांग रही हूँ और मैं ये आपको वापस कर दूंगी और ये मुझे आप देंगे बगैर सूद के, ठीक है, और इस तरह मैंने उनकी मदद की और मैं भूल गया कि वो औरत आएगी या नहीं आएगी। 6 माह बाद वो आती है और कहती है कि ये 10,000 रुपया अपना
और मैंने इसी से अपने बच्चों की शादी की, बच्ची की शादी की, और ये मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ। तो कहती कि ये 10,000 जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके लिए मतलब मेरी आपके पास मतलब अमानत है, ये आगे आगे किसी को दे दें। वाह। तो कहता वो औरत मुझे, वो औरत मुझे देगी आइडिया कि अगर ये 10,000 में और ज्यादा करता हूँ तो कितना फायदा होगा। तो कहता फिर मैंने इस तरह दोस्तों से बात की तो वो हो गया 3,00,000 रुपया। ठीक है। और